चिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फिरते हो, अगर किसी से झगड़ा हो गया तो मुझे भी पिटवाओगे और खुद भी पिटो। तामा नहीं यार, कम्बा तमीजन ने यही मिलने को कहा था, उसी को देख रहा हूँ। एक गिलास पानी दीजिए। तामा, तुम ये क्या मजाक है? बेटा क्यों मारा गरीब को? इसलिए लीजिए, आपकी कम से कम इतना तो होश रखा कीजिए। मिलना मेरी पहुंची। हाय हाय, इस पर खुदा की मार, ये मुआ भीख मांगने के बहाने यहाँ ये कर रहा था। अरे बेटा बरकत दो जूती और लगा मेरी तरफ से। जाने दीजिए, गरीब है बेचारा। चलो जी तेरे बेटा। सुभान अल्लाह, खुदा आबाद रखे लखनऊ को, फिर गनीमत है।
नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है जी। अमा शादा, कुछ तुमने भी देखा? देखूं किसे, जिसने वादा किया था वो तो आई नहीं। अमा उसे छोड़ो, इसे देखो, इसे खुदा की कसम क्या लड़की है। अमा देखो देखो, वो रुकी, वो फिर निकाब लड़ती है उसने, जैसे स्याह बादलों से चौधरी का चांद निकल आया। अम्मी ये पहुंचे आप ही रखिए। तो चल गई छुरी दिल पर। कौन है ये? CID तो हूँ नहीं कि इतने बड़े शहर में सबको जानू। नहीं भाई, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, ए चलो पीछा किए लेते, इसका तो क्या इसके बाप का भी पता लगा लेंगे। आओ ठहरिए साहब ठहरिए। क्या है? क्या आपने किसी पैकेट मार तो पकड़ा था? हाँ। और उसको छोड़ दिया? तो और क्या करते, वो पकड़ा गया है, चलकर गवाही दे दी। अरे बाबा, हम लोग इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तुम जानो तुम्हारा काम। नहीं साहब, आप लोग नहीं जा सकते। अरे भाई जाने दो, घर के लोग जा रहे हैं। उनको जाने दीजिए, पासी तो चौकी है, चलकर बयान दे दीजिए, वरना आप पर भी जुर्म आयद होगा। लो ये की रही, अम्मा चलो ये लोग नहीं मानेंगे। मगर वो उनको तो घर ही जाने दो, वरना ये लोग घर पहुंचेंगे और हम लोग जेल खाने। चलो अगली जुमे रात को मेरा जिम्मा। चलो चलो भाई चलो। क्या मुसीबत? कौन हो भाई, क्या कर रहे, किसको पकड़ रही हो? शेदा मैं हूँ। तमीजन तुम, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें मेले में ढूंढ रहा था। आई थी इसी गरज से, लेकिन खुदा गारत करे इस मुए को इसने मेरा बटवा मार दिया। अच्छा हाँ, तुम घर चलो, मैं इस जाते शरीफ को ठीक करता हूँ, जाओ जाओ। कौन है बे? अच्छा तो आप है। क्यों बे? आज शायदा एंड कंपनी के पीछे लगा हुआ है। मुंशी जी लिखिए मेरी गवाही, ये नालायक जेब कतरा। जनाब का इसमें ग्रामी मिर्जा मसरत बेग शैदा। और वालिद बुजुर्ग? खान साहब मिर्जा फरहत बेग। अच्छा तो आप हमारे दरोगा जी के साहबजादे हैं? जी हाँ। ठीक है, ले मेरे जूते भी रख दे यहाँ। अच्छा हुजूर। पूरे 250 मारूंगा, एक भी कम नहीं। क्या समझे? आने दो बरफरदार को, तू अपना जूता भी रखता जा। बहुत अच्छा हुजूर। अब्बा अब्बा, हमारे भी जूते इसी में रख लीजिए। हाँ हाँ रख दे। बस इतने काफी हैं उसकी ताजपोशी के लिए। अम्मी अम्मी, आज भाईजान की ताजपोशी हमारे जीते से होगी। चुप कम्बक। मिया, क्यों, क्या बात है अंकल? अंदर न जाइएगा। क्यों, मेहमान आए क्या? पर्दा है? जी नहीं, वहाँ आपकी ताजपोशी का इंतजाम हो रहा है। ताजपोशी? मगर आज कैसी ताजपोशी भाई? जी वो मेले वाली पुलिस चौकी से खबर आई है कि आप वहाँ जाकर बुरका पोश औरतों को घूरते हैं और हर एक की शक्ल घूम घूम कर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहाँ दारोगा जी बड़े गजबनाक हैं, सारे मोहल्ले के जूते इकट्ठा कर रखे हैं। बिस्मिल्लाह हो गई। रमजानी पकड़ ला बदमाश को मेरे पास। जाइए मियाँ, खुदा के लिए जाइए। जल तो जलाल तो साहिब कमाल तो आई भला, ये भला नहीं टलेगी। भाईजान, आधा वर्ष है। आधा वर्ष की बच्ची? अबे चल इधर। चल भाईजान की दुश्मन। ये सब दिखाई देते हैं? अब हुजूर, मुझे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे ताकत ठिकाने लग जाए। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा। वो और भी अच्छा होगा, ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर। बोल किधर से शुरू करूँ, इधर से या इधर से? अब हुजूर, अगर ताजपोशी जरूरी है तो फिर नहीं, तो फिर इधर ही से शुरू फरमाइएगा। इधर से? अब हुजूर, मेरे सर का नहीं तो कम से कम जूतों का जरूर ख्याल फरमाइएगा। वही ख्याल फरमा रहा हूँ। हाथ है, मैं समझा जूता आया।
हाय हाय, जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को। इधर से देखिए अम्मी, इधर से। बेटा, अम्मी जान, ये ताजपोशी किसी और मुबारक दिन के लिए मुलतवी करवा दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती करूँ तो। आए हाँ, मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। आ गई ना बीच में, तुम्हें ऐसे बना रखा है। अब हुजूर, मैं कसम खाकर वादा करता हूँ, आइंदा कभी दरगाह शरीफ के अहाते में भी कदम नहीं रखूंगा। बस कम वक्त तो कोड़ी हो जाओगे कोड़ी, पाक जगह पर तमाशा गार बना के रखा है। हाय हाय, वादा तो कर रहा है बेचारा, और फिर मैं कहती हूँ जाने भी तो। बहू में जाऊँ, भाग भाग भाग। जन में अंदर आ सकता हूँ? प्यारे मीना, आ जाओ बेटा। अम्मी जान, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पीर साहब के मजार का तबर्रुक। जीते रहो बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और अम्मी, मैंने आपके लिए दुआ भी मांगी है कि अल्लाह आपको जल्द से अत्याप करे और इमसाल हज काबा और ज्यारत मदीना मुनवरा से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। वो तो होगा ही बेटा, मगर तूने अपने लिए चांद सी दुल्हन क्यों ना मांग ली? अम्मी, वो तो बिन मांगे ही उनका करम हो गया। भाईजान, एक करम मुझ पर भी हो जाए। ये फहरिस्त देख लीजिए मेहमानों की, परसों मेरी सालगिरह है। अरे हाँ बेटा, शादी के बाद मेरी बेटी की पहली सालगिरह है, निहायत धूमधाम से मनाऊंगी। देखो तो किस किस को बुलाया है। सुल्ताना बेगम, दक्या खातून, अस्करी बेगम, सब तो हैं, लेकिन असलम और शायदा का नाम नजर नहीं आता। क्यों? ये देखिए ना अम्मी, है तो आखिर में। आखिर में नहीं बेटी, इन दोनों का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। बचपन के दोस्त हैं मेरे बेटे के, मेरे लिए जैसे तुम दोनों वैसे वो। बल्कि शायदा की वालिदा और दारोगा साहब को भी दावत दे दो। बाकी रहा असलम, मेरा सबसे अजीज दोस्त। अम्मी, वो मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यारा है, दुनिया में अकेला है बेचारा, ना बाप है ना माँ। ऐसा ना कहो बेटे, मैं जो हूँ उसकी माँ की जगह। खुदा बख्शे, तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे, जिसको सच्चा दोस्त मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह सलामत रखे तुम तीनों को और तुम्हारी दोस्ती को। जाओ, सालगिरह के दावत नामे लिखवा कर तकसीम करवा। अरे
ये जगह कितनी अच्छी, यहाँ बैठ कर अच्छी जगह, तुम भी यहीं पर आ जाओ, बहुत मुलायम है। यहाँ बैठकर खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। किसकी तस्वीर है ये? ये रेहाना के भाई की है शायद। क्यों? जैसे मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। ख्वाब में देखा होगा। ये और मेरे ख्वाब में? हजरत बहुत हसीन समझते हैं शायद अपने आप को, जो इतने छोटे कमरे में इतनी बड़ी तस्वीर टांग रखी है। नहीं भाई, शक्ल तो कुछ इतनी बुरी नहीं है। अरे हटो भी, तुम्हारे लिए होगी। आओ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो पेशानी देखो, जैसे म्युनिसिपैलिटी की पुरानी बेमरम्मत सड़क, ऊंची ऊंची। और ये नाक जैसे जली हुई रोटी पे भुना हुआ बैंगन। और ये मुंह, मुंह तो ऐसे है जैसे लेटर बॉक्स को खत डालने वाला होता है ना। है ऐसा ना कहो, कहीं रेहाना ने सुन लिया तो क्या कही, उसी को खा रही हो और उसी के भाई की बुराई करती हो। रेहाना, मैं कहती हूँ अगर ये हजरत खुद भी सामने आ जाए तो भी यही कहती, और अगर ये बिगड़ कर कुछ कहते तो ये। ये तो बड़ा गजब हो गया। किसी से कुछ कहना नहीं, उसने बड़ी बदनामी होगी। और अगर उन्होंने खुद ही रेहाना से कह दिया तो? अरे नहीं पगली, मर्द जब औरत से मार खाता है ना तो गोल हो जाता है, समझी? समझी। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर छुप के नजारा करते हैं, कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं।
नाज कर दो ये नुक्ता चीनों से के रहे दूर नाजनीनों से, अगर ये खुश हो तो उल्फत का एहतराम करे, अगर जरा भी खफा हो तो कत्लेआम करे। मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए एक बहुत खूबसूरत हार खरीदा। जी हाँ ये बहुत बुरी बात है भाईजान। क्या? अगर इनमें से कोई देख लेता तो मेरी नाक कट जाती और बदनामी होती से अलग। कल फिर बुलाने पर मेरी कोई सहेली भी ना आती। मैं भी जाती हूँ। मैं चला जाता हूँ। मगर शत पर आइएगा नहीं इस तरह। अच्छा बाबा नहीं आऊंगा, जा अपना काम कर। क्या है मियां? देख नसीबत, मेरा एक काम करेगी। सरकार एक क्या हजार काम कर दूंगा। तो सुन, वहाँ पर एक लड़की है ना। एक लड़की क्या, वहाँ तो पचासों बैठी है। नहीं, वो जिसकी आंखें हैं और आंखें तो सभी की हैं सरकार। वो कमबख्त कुछ कहने भी देगी। अच्छा कहिए। देख एक मोटा सा पता देता हूँ, वो लड़की जो रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए है ना, जिसमें कामदानी के फूल लगे हुए हैं। अरे हाँ ये देख, उसी का टुकड़ा है। सरकार ये आपको कहाँ से मिला? ये फिर बताऊंगा, जा इसका पता लगा। और देख किसी से कुछ आवा सरकार, मेरी ये मजाक मतलब सरकार वो। अरे हाँ सब हो जाएगा, तू काम तो कर। देखो ये सब बहना बच गए, आपस में दुपट्टे बदले जा रहे हैं। अच्छा बाबा लाओ लाना, हम तुम भी बदल लिए। मगर ये तो फटा हुआ है, क्या करोगे इसको? ए चलो होगा भी, ये लो। कुछ नहीं बेगम साहब, यो मर गए जी। अल्लाह तेरा शुक्र है। बीबी मुबारक हो। किस बात मुबारकबाद दे रही है नसीबत? ये तो नहीं बताऊंगी मगर समझ जाइए। बिल्कुल पागल। मियाँ बात ये है, अपने मोहल्ले की है वो, तो वो जो आगा नल्ले साहब है ना, उन्हीं की साहबजादी है। अच्छी तरह से मालूम है ना? आए हाय मियाँ, इस ड्योड़ी पर आने से पहले मैं उन्हीं क्या नौकरी करती थी। खासे अच्छे ताल्लुकेदार हैं, अल्लाह रखे सात जवान बेटे हैं और ये एक साहबजादी। लड़की से अच्छी तरह से वाकफियत है ना? मियाँ क्या बात करते हैं, वो तो यूँ कहो कि काम काज की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, वरना रोज आना जाना था। सच लिए ना, दो चार रोज में बताऊंगा क्या कहना होगा जाकर, समझी? बिल्कुल समझ गई सरकार, एकदम समझ गई। अरे कम्बख्त की उनकी निशानी तो दे दी जा, दिल को कुछ तो करार रहे। हाय हाय मियाँ इतनी बेकरारी। हमें अंदर हो क्या नवाब साहब? शायदा जाता। आओ भाई आओ। अम्मा अकेले ही चले? जी अकेले ही नहीं, खासदार भी हाजिर है। आदाब है। अम्मा असलम भाई कहाँ गायब थे इतने दिनों से? मैं बहुत मसरूफ, मगर आज आना ही पड़ा।
एक तो रेहाना की सालगिरह और दूसरे तुम्हारे मामले की खुशखबरी जो शहदा से सुनी, तो सारे कामकाज छोड़कर मुबारकबाद देने चला है। चलो पिघला तो ये पत्थर मुंह होकर, कहीं तो तबीयत आई। ये बताओ मुंह कब मीठा करवा रहे हो? अभी नहीं यार, पहले पता तो चल जाने दो, मेरा मतलब है अगले जुमेरात तक। नहीं भाई अब इसकी जरूरत नहीं रही, वो तो रेहाना बीबी ने आप दोनों साहिबों को सलाम कहा है। अच्छी बात है, समझ गए। हमारी तरफ से जवाब में ये दे देना और ये हमारी तरफ। अम हाँ वो बात तो रह गई, क्या कह रहे थे? हमारी याना की सालगिरह में वो भी आई हुई है। क्या कहा? हाँ हाँ यही तो नसीबन से पूछ रहा था कि तुम लोग आ गए। ये भी मालूम हो गया कि मोहल्ले में आगा नन्ने साहब जो हैं, उन्हीं की साहबजादी है वो। ये देखो उनकी निशानी। बड़े उस्ताद हो यार, कैसे मिला ये दुपट्टे का टुकड़ा? हाय मियां ये मत पूछो। क्यों और दिल पे चोट लगी क्या? हमारी पीठ पे भी चोट दे गई है। क्या कह रहे हो? अरे अरे नहीं, अरे हाँ 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 क्या लहरदार चोट है, सालिम ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल लाजन की तरह। क्या कर रहे हो? हमें बिल्कुल ही थर्ड क्लास आजी को यार, ऐसी चोट पे हर मातम शुरू कर दी। मुझे देखो, सिर्फ तोप का गोला ही आजमाया नहीं गया, वरना तमीजन ने दुनिया की कोई चीज उठाने रखी और सब पै गए। हयादार होते तो डूब मरते वाकई। छोड़ो इस बात को, अब तो लड़की का पता चल ही गया है, चट मंगनी पट ब्याह, चलो अभी तय किया। अरे मगर ऐसा भी क्या है, जरा सोच समझ लो, अगर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो। अमा क्या बात करते हो शहदा, असलम की बात तुम्हारी जूतियों के तुफैल सारे लखनऊ में कोई नहीं टाल सकता। क्यों भाई क्या कहते हो, चले आए कल सुबह? अमा हाँ यार, यहाँ तो एक एक मिनट मुश्किल से गुजर रहा है। लो भाई एक और गए, अब रहे तुम सो अल्लाह मालिक है। अच्छा भाई चलते हैं। अमा क्या गजब कर रहे हो? अरे हाँ, और जख्म की ठंडक के लिए नुस्खा याद आ गया, ये जो दुपट्टे का टुकड़ा है ना, इसको जलाकर मक्खन में मिलाकर मरहम बनाकर जख्म पर लगाकर बवक्त तकलीफ आजमाइए। आइए। मेरा मतलब है तालीम वालीम क्या है साहबजादे? जी एमए पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहत और तंदुरुस्ती का क्या हाल है? जी मेरा मतलब है कुछ खेलते वेलते तो होंगे? खेल ओ जी जी हाँ, हुडुडवा लाजवाब खेलते हैं। हुडुडवा? जी हाँ। ये कौन सा खेल हुआ साहब? जी हाँ ये वो खेल है, इसमें एक शख्स दो को अपनी पीठ पर लाद लेता है और 10 मील भागता है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अजीब अजीब खेल हैं और नाम भी। बस अब इतना और फरमा दीजिए कि कुछ मकान जायदाद इलाका। अजी ये भी कोई पूछने की बात है? जी जंगलीगंज, बेगमगंज, नवाबगंज, मकबूलगंज, महबूबगंज और तोप दरवाजे में 20 हवेलियां और 60 दुकानें, मलियाबाद में आम अमरूद के 200 बागात और जमींदारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो अब इस रिश्ते को करीब करीब तय समझिए, मैं जरा किबला अब्बा हुजूर से मशवरा ले लूं, क्योंकि उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। आपके अब्बा हुजूर? जी हाँ, वो अपने अब्बा हुजूर के वहाँ गए हुए। यानी कि आपके अब्बा हुजूर अपने अब्बा हुजूर के यहाँ गए? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग एक हफ्ते बाद आए? बस बस बिल्कुल ठीक है। आधा वक्त आधा वक्त। असलम मालूम होता है पूरा खानदान आबे हयात के हुए है, जल्दी से निकल चलिए। जरा हाथ दे दीजिए। नवाब साहब जरा इधर तशरीफ लाइए। हाजिर हुआ। देखिए आप लोगों का मजहबी ख्याल हज के बारे में क्या है मैं बिल्कुल नहीं जानता, मगर डॉक्टर की हैसियत से मेरी राय नहीं कि यह हज को जाए। इस मरतबा बीमारी ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है, खुसूसन दिल को आराम की सख्त जरूरत है। अगर हो सके तो आइंदा साल के लिए मुलतवी करवा दीजिए, या यूं किया जाए कि इनकी बजाय किसी और को भेज दिया जाए, क्योंकि बीमारी और मजबूरी की हालत में हज बदल भी हो सकता है। जी मेरा मतलब है इनकी बजाय कोई दूसरा हज कर आए तो शरा के मुताबिक हज इन्हीं का होगा। मेरी राय में तो यही ठीक है। हजरत अगर कहीं आप ही इस नेक काम के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, और वालिदा साहिबा भी। जी मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मगर क्या फरमाइए।
मैं जरा बेगम साहब से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़े शौक से, अंदर पर्दा है, आवाज दे लीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ। जी आइए डॉक्टर साहब। अम्मी जनाब तबीयत कैसी है? अल्लाह का फजल है बेटे। मौलवी साहब ने क्या इरशाद फरमाया? मौलवी साहब तो तैयार हैं बेचारे, मेरे लिए हज कर आएंगे, लेकिन उनकी लड़की जवान है, उसकी शादी किए बगैर कैसे जा सकते? उन्होंने साफ तो नहीं कहा, सिर्फ ख्याल जाहिर किया है कि तुम्हारे ही साथ हो जाए तो अच्छा है। जी, मेरे साथ? हाँ बेटे, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों मुरादें एक साथ पूरी हो, तुम्हारी शादी और मेरा हज। फिर लड़की सीधी सादी है, खूबसूरत और 100 में 1। मगर अम्मी, ये तो आपके वादे के खिलाफ है। आपने मुझे शादी के मामले में पूरी आजादी दे रखी है, फिर ये क्यों? अरे बेटे, बात ही ऐसी आ गई है, क्या तुम चाहते हो कि मेरा हज ना हो? अगर मेरी हालत ना गिर गई होती तो डॉक्टर सब मना ही क्यों करते? फिर जिंदगी का क्या भरोसा है? ऐसा ना कहिए अम्मी जान। अम्मी, अम्मी अगर यूं हो कि मैं अपनी बजाय किसी और को पेश करूं, मेरा मतलब है कि मुझसे हर हालत में बेहतर हो तो? मेरे बच्चे, माँ की नजर में अपने बेटे से अच्छा कोई नहीं होता। बुलवाऊं मौलवी साहब को? नहीं अम्मी जान, अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। अच्छा तो सोच ले, वक्त बहुत कम है, कल तक मौलवी साहब को जवाब मिल जाना चाहिए। कल तक? मगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। अबे तू और ईशा की नमाज बोल, कहाँ जा रहा था? मैं तुम अरे भाई, अपना एक ही तो ठिकाना है, तभी जनो कहा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या? शादी करोगे? शादी किससे? तमीजन से? नहीं, जिससे मैं कहूँ। जो बात करोगे सो उल्टी। अमां, जो आदमी अपनी महबूबा के लिए बाप को धोखा दे सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, वो तो उसी लड़की से क्यों शादी करने लगा? नहीं 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 नहीं, मैं आप समझे नहीं होंगे शायद, मेरे खाते नहीं नहीं इस वक्त कौन हो सकता है? या वैशन, आइए आइए आइए, चैन न पड़ता होगा, ये तो मैं पहले ही जानता था कि आज की याद करेंगे और नींदे हमारी आराम। नहीं भाई, इसके अलावा है कुछ जरूरी बात। वाकई? तो बैठिए। अरे भाई, मुझे बुला लेते, फजूल तकलीफ की आधी रात। चलो एक ही बात है, मैं आ गया तो कोई बेइज्जती हो गई या शान घट गई। तुम भी नहीं सोए, क्या कर रहे थे? हिसाब कहे आपके एहसानों का, जो आज रुपया, मकान और इज्जत की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। क्या मतलब? नहीं बैठने दोगे? चला जाऊं क्या इस मकान से, जिसे तुम्हारी मेहरबानियों ने खड़ा किया? सभी कुछ तो खो चुका था मेरे दोस्त, एक जान रह गई थी, आज वो भी ना होती जो तुमने बचाती।
और किसी लायक तो हुआ नहीं, कम से कम मुंह से तो कह लेने दिया करो। बस कह चुके, अब मैं भी कुछ अर्ज करूं कि इतनी रात गए मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ हाँ फरमाइए। यार तुम तो जानते हो कि इस बुढ़ापे में अम्मी जान सिर्फ दो चीजों की ख्वाहिश रखती है, एक मेरी शादी, दूसरा उनका हज। और हज का सब इंतजाम भी हो गया था। हाँ हाँ मुझे मालूम है। अब मुसीबत ये आ पड़ी है कि इन दिनों वो बहुत कमजोर हो गई हैं और डॉक्टर का कहना है कि उन्हें खुद हज के लिए ना जाना चाहिए। अच्छा तो फिर तय ये हुआ है कि हज के लिए किसी दूसरे आदमी को भेज दिया जाए। इसके लिए मौलवी साहब चुने गए हैं और वो तैयार हैं, मगर यार मुश्किल ये है उनकी लड़की जवान है और जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो नहीं जा सकते। अब इतनी जल्दी शादी का इंतजाम और कहीं तो हो नहीं सकता, लिहाजा अम्मी जान मुझसे कर देना चाहती है। हैं? तुमसे? हाँ। और मैं क्यों नहीं करना चाहता ये तुम खुद ही जानते हो। ऐसी हालत में अगर मैं मौलवी साहब की लड़की से शादी करता हूँ तो असलम मेरी सारी उम्मीदों का खून हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए? मेरे दोस्त, मेरी खुशियों का जनाजा अगर तुम उठता हुआ नहीं देखना चाहते, बल्कि यूं कहो कि मेरी जिंदगी को तबाही और बर्बादी से बचाना चाहते हो, तो ये शादी तुम कर लो। बस इतनी सी बात? अभी चलो सरा बांध के। असलम, असलम मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं भी जाकर अम्मी जान से कहता हूं। हाँ एक बात सुन लो साहब साहब, मैंने खुद उस लड़की को नहीं देखा, लोग कहते हैं कि अच्छी है। समझ लो भाई ये मेरी किस्मत। प्यारे मियाँ इसे कहते हैं इत्तेफाक कि तुमसे पहले दूल्हा बन रहा हूं, और खुदा ने चाहा तो दुल्हन भी तुमसे अच्छी होगी, इतनी की रश करोगे जो कभी सामना हो गया। आप हामी यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़कता और बजे शहनाई। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़कता और बजे शहनाई। मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। बाय ऐ मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, यार को तूने दुल्हन दे दी रह गया मैं ही क्वारा। ऐ मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, यार को तूने दुल्हन दे दी रह गया मैं ही क्वारा। मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे, हाय
मैं भी हंसूं खिल खिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी, तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी, आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ख्वाब नई मंजिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार मिला है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिल के। Thank you.
देखिए, मैं सूरत दिखाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा, ये अपने नसीब और आपकी मर्जी पे छोड़ता हूं, मगर खुदा के लिए मेरी शक्ल जरूर देख लीजिए। मैं काना हूं, मुंह पे चेचक के ये बड़े बड़े दाग हैं, रंग अफ्रीका के हबशियों से ज्यादा काला है, और सामने के ये दो दांत बिल्कुल हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हैं। अब कहां, सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद हो। प्यारे मियां ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मर गया, खुदा की कसम लुट गया। अरे कमबख्त, तू क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। ओहो, देख सारा बदन थूक रहा है। हाँ मियां, थूक रहा होगा। होगा? अरे बदबख्त, मुंह से धुआं निकलता है, धुआं। हाय हाय, नसीबत जी, तेरे मुंह से भी कभी धुआं निकलता है? ना मियां, मेरे मुंह से कभी धुआं नहीं निकला। हाँ, मेरे बाप के मुंह से निकलता है, वो जब हुक्का पीते। जा बाबा जा। अरे जा, कुछ सलाम पयाम ही ले आ। आए हाय मियां, सब्र कीजिए, शाम तक की तो बात है। बड़ी मुश्किलों से राजी हुई है सामना करने पर, वो भी इसलिए कि आज उनके वालिद इलाके पर जा रहे हैं, फिर शायद मौका मिले ना मिले। नसीबन तू बहुत अच्छी है, मगर शाम को कितने बजे? सरकार, मुझे चिराग जलते ही बुलाया है, मैं वहीं मिलूंगी। आप किसी तरह छुपकर पाई बाग में पहुंच जाइएगा बस। नसीबन, अगर मेरा काम बन गया तो हीरे की ये अंगूठी तुझे इनाम में दे दूंगा। हाँ। देख कितना खुश हो गया मेरा दिल। देखो अल्लाह, सरकार ये तो इस तरह चल रहे जैसे रेल का इंजन छक छक। अरे कमबख्त, ये तो मेरी घड़ी है, दिल तो इस तरफ है। मगर अब्बा का दिल तो इस तरफ है। चल अब्बा की बच्ची, जा यहाँ। क्या बात है प्यारे मियां? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं नसीबन से पूछ रहा था कि असलम की बीवी कैसी है, बहुत तारीफ कर रही है। मैंने जो कहा था तुझसे तो तूने नहीं मानी मेरी बात। खैर, असलम भी तो अपना ही लड़का है, गरीब घर किया, लेकिन 100 में 1 है वो लड़की। लेकिन अम्मी जान, मुझे 1000 में 1 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर देखिएगा क्या चीज लाता हूँ। कसम खुदा की अम्मी जान, इस कदर हसीन है कि सारा मकान जगमगा उठे। फिर तो ये सारे झाड़ फानूस उतार कर रख देने पड़ेंगे। अम्मी आप तो मजाक करती हैं। आखिर हम भी तो सुने कौन है वो। नहीं अम्मी, बात ही क्या हुई जो आपको बता दिया, आपके होश उड़ जाएंगे, देखिए तो सही। मेरे होश से ज्यादा तो तू उड़ने लगा है किसी परी के पीछे। मेरे बच्चे, जल्दी कर, कोई भी हो। घबराइए नहीं अम्मी, बहुत जल्द फैसला किया देता हूँ। और हाँ अम्मी, आज शाम को मेरा इंतजार न कीजिएगा, असलम के यहाँ मेरी दावत है। मेरे नसीब ने ये काम लाजवाब किया कि तुमको लाख हसीनों में इंतखाब किया। अल्लाह, चाहिए भी। अमा असलम साहब, लो आ गए। अमा कहाँ हो भाई? आइए, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे मियां, बीवी मुबारक हो भाई, बीवी मुबारक हो। क्यों यार, दुल्हन पसंद आई? भाई तुम्हारे एहसानों से सुबुक दोस्त तो क्या होता, रोज बरोज दबता ही जा रहा हूं। खुदा की कसम, क्या चीज अदा की है तुमने, जी चाहता तुम्हारे हाथ चूमूं जिसने मुझे तोहफा दिया है। अमा हटो, ये क्या भाई यार? और भाई मुझे तो ये पेशानी चुमा दो। आ हा हा, कुर्बान जाऊं इस मुकद्दर पे, जो चीज सूझी सो उल्टी। अमा तोहफा देने से पहले देख तो लिया होता। शैदा, बल्ला 1000 में 1 है, अमा मेरी वाली 1 लाख में 1 है। शैदा ने देखी है, पूछ लो इसे। हाँ भाई, दिल के आने के ढंग निराले हैं, मेरी तमीजन 1 करोड़ों में 1 है। तमीजन, अमा छोड़ो ये बातें, भाई जल्दी से खाना खिला दो, एक जरूरी काम से जाना है। खाना लग गया हजूर, चलो भाई चलो। नसीबन, अल्लाह जानता है मेरी तबीयत बहुत हौल खाती है, कैसे सामना होगा, एक बात भी तो नहीं निकल सकेगी मेरे मुंह से। अरे बीबी, डर किस बात का, मैं जो हूँ साथ खड़ी रहूँ। नहीं बाबा, मुझसे ना हो सकेगा, तू मना करते जाकर। और हाँ बीबी, क्या गजब कर रही हो, वो तो दिन से ही उधार खाए बैठे थे,
बावर्ची खाने के पीछे जो पेड़ है ना, उसी के नीचे अंधेरे में खड़े हैं बेचारे। अभी कम्बक करीमन भी नहीं गई, बर्तन साफ कर रही है। अमा ऐसे नहीं ठहरो। ए, अब ठीक है। वल्ला क्या जच रही हो अमा शैदा। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शैदा। एक आग सी है सीने के अंदर लगी। वाकई लो हो गया इलाज, अब तो आग ठंडी हो गई। कौन है बदतमीज़? हुई ना। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? दीदी जी, दीदी जी, बावर्ची खाने के पीछे चोर खड़े हुए हैं। अरे यूं ही तेरा वहम है, करीमा निकल यहाँ से। तौबा, ला हौल विला कुव्वत। मेरी राय में तो अब चले ही चलो, सवेरा हो गया। नहीं नहीं यार, ऐसा खतरा ना करो। अमा फिर ऐसे उलझे तो तुम जाओगे भी कैसे? कह देंगे तुम्हारी खदमा की गलती है। अच्छी बात है, तो बैठे रहिए धुनी रमाए के। अगर गोरी आए गई तो हुआ, नहीं तो हुआ। आप यही ठहरिए, मैं बुलाए लेती हूँ। हाँ जाने कहाँ मर गई ये कमबख्त नसीबन। अमा कुछ टिकड़ में लगी होगी। लीजिए, मक्तल में आजमाइश का वक्त आ गया है, जाइए। अमा जाओ ना। मियाँ आइए ना। जाना नहीं, यही रहना। अच्छी बात है, आइए। ये कौन है? अरे मियाँ वही तो है ये। ना ये वो नहीं, मजाक कर रही हो क्या? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बादल झुके हुए आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। हुआ कमल
रास्ता हुआ कमल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो तबसुम की बिजलियाँ होंठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियाँ सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां दुनियाए हुस्न इश्क का तुम शबाब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौदहवीं का चांद हो दादा मानना पड़ेगा इसमें तुम्हारी भी गलती है तुम्हें साथ ले जाने के बजाय उन्हें रोकना चाहिए था अमा वल्लाह किस मर्दूत को पता भी हो बताया तक नहीं तुम्हारे यहाँ से खाना खा के निकले और सीधे वहाँ पहुँचे मामला दिल्ली में तय करके सरे शाम नसीबन को भेज ही चुके थे अच्छा वहाँ जो हुआ सो हुआ मगर ताज्जुब तो ये है कि वो लड़की भी नहीं थी जिसको प्यारे मियाँ ने पहले मेले में और बाद में मकान पे देखा था क्या कह रहे हो शायदा हाँ भाई न जाने कमबख्त नसीबन की क्या चाल थी इसमें जो खामखा दूसरी लड़की से भिड़वाना चाहती थी और क्यों ये खुदा बेहतर जानता है वो कमबख्त है कहाँ जरा पूछो तो सही क्या मतलब था उसका अम्मा वो कली से लापता है आई नहीं डर के मारे पर्दा हो गया है तशरीफ ले चलिए मैंने कहा आली जान नवाब प्यारे मियां साहब अंदर आ सकते हम लोग आइए हुजूर आइए तशरीफ लाइए क्यों तबीयत तो ठीक हो गई होगी और दर्द भी कम हो ही गया होगा ये चोट कैसे लगी शायदा आवाज़ दे किसी का मैं पूछती हूँ ये चोट कैसे लगी जी वो चोट हाँ 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 आओ देखा ना ताओ सर पर पाँव रख कर भागे आगे आगे ये और पीछे पीछे मैं और मेरे पीछे चार लटबाज हाय अल्लाह कहीं जाकर डालने गए थे क्या जी नहीं चची जान ये एक किस्म का खेल है सुल्तान आलम हुजूर नवाब वाजिद अली शाह को ये खेल बेहद पसंद था मगर ये कौन सा खेल है निगोड़ा जो रात ही में खेला जाता है जी नहीं दिन ही में खेला जाता है हाँ अगर फुर्सत ना हो तो रात में भी खेल सकते हैं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ना बाबा ना आज से इनका रात को निकलना बंद जी हाँ चाची मेरी भी यही राय तुम भी बड़े नामाकूल हो असलम इसकी बीवी मैंने तुम्हें दे दी और तुम इसके लिए बीवी नहीं ढूंढ सकते कान खोल कर सुन लो मैं तो इसी चांद में इसकी शादी करूंगी अगर तुम लोग ढूंढ लाए तो खैर वरना जहां मेरा जी चाहेगा कर दूंगी एक ना सुनूंगी ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हसरत उस मेले वाली लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकते बिल्कुल ठीक है कल जुमेरात है हम और शायदा फिर उसी दरगाह से शुरू करते ये तो मैं पहन चुकी हूँ उस रोज वो देख भी चुके हैं कहते थे कयामत बर्पा कर रही हूँ रखो अलग इसे कयामत का बार बार आना ठीक नहीं मजा तो जब है कि सिर्फ सूरत और सादगी पर मरना जीना हो हाय मार डाला हाय अल्लाह
क्या हो गया आपको? हाय अल्लाह बोली भी। क्या आप डर गई? जाइए, मेरा तो जी धक से हो गया। किसी की जान की आपकी अदा ठहरी। जान तो मेरी जाएगी किसी दिन तुम्हारे हुस्न पर। हटाइए भी। बेगम, एक बात तो बताओ, कोई तुमसे भी हसीन लड़की है इस शहर में? क्यों नहीं, इतना बड़ा लखनऊ पड़ा है, हजारों ही मुझसे अच्छी है। मैं नहीं मानता। तो ना मानिए। ये आज कहाँ की तैयारी हो रही है? फिर से आपके उर्स में जा रही हूँ, अम्मी जान ने बुला भेजा है। आपको कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूर जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बड़ा लुत्फ रहेगा। अब समझी कि हसीन लड़की की पूछगछ क्यों हो रही थी, मगर अब क्या करेंगे पूछकर, मैं तो आपके सर मन दी गई हूँ। दरगाह जाना भी फजूल है और किसी की तलाश भी। तुम्हारे सर की कसम आज तक नहीं किया, आज जा रहा हूँ, वो भी किसी खास वजह से। अच्छा, शोहदों और गुंडों की तरह शरीफ औरतों को ताकते झांकते ना फिरेगा? अरे वाह, आज ही तो ताक झांक का मौका मिलेगा। क्या मतलब? सारे दोस्तों से तुम्हारा सामना करवा दूंगा और इतना तंग करूंगा कि वहाँ से भागते ही बनेगी। मेरी जूती मैं नकाब डाले रहूंगी। अच्छा देख लेना। यूं ही सही। अम्मी जान, आदा। हाय जमीला। मैं वारी बेटी, चश्मे बद्दूर, कितनी अच्छी लगती है तू। कौन जमीला? आदाब भैजान। जीती रहो। अरे भाई कहाँ भूल पड़ी आज इधर? नहीं, कसम से फुर्सत ही नहीं मिलती। और आप भी तो भूल गए, कभी झांकते तक नहीं कि मर गई या जिंदा है। आय हाय, मरे तेरे दुश्मन जो मुंह में आया बकने लगी। अच्छा अब ईद पर आएंगे हम दोनों भाई, इस वक्त तो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, अकमल तन्हा है। आदाब। जीते रहो बेटा। आदाब भैजान। चलिए अम्मी तैयार हो जाइए, कल तो हम उर्स में जाने सके, आज आपके साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, मगर ये सब गहने तू यहीं उतार दे, वरना कमबख्त कितने चोर गिराकट वहाँ होते हैं। देख उस मर्तबा पहुँची जाते जाते रह गई, खैर वो तो घर ही की थी, ये तमाम जेवरा ससुराल के हैं, एक भी गया तो नाक कट जाएगी, लोग कुछ का कुछ न समझ बैठे। अच्छा अम्मी, बस छोटी छोटी चीजें रहने दो और किसी फकीर टोले को नजदीक आने ही न देना, मैं बुलाती हूँ कुलसुम रुकैया और उसकी माँ को। लला, पाक चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं झोली डाले, कोई मुराद मांगे कोई औलाद मांगे, कोई मोहब्बत चाहे कोई हुकूमत चाहे, कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं किधर है? कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे, सबके गले में भैया अरमानों का ढोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। चांदी सोना ना मांगू, रुपया पैसा ना मांगू, थोली बंगला ना मांगू, कपड़ा लत्ता ना मांगू, घोड़ा गाड़ी ना मांगू, कुर्ता धोती ना मांगू, परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं अब तक नहीं मिला। परवरदिगार
दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से। ये कहां से मर गए, ट्यून बदलो। मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने। इसे इसे नहीं बाबा, मुझे। अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो। ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है। भाई क्या बदतमीजी, ऊपर से खोले भाई। अरे शायदा तुम वो देखो, मेरे वालिद साहब मलकुल मौत जा रहे हैं, तुम उनके पीछे लग रहे हो। और वो वो लोग अभी तक नहीं आए, मैं सब देख चुका हूँ। जाओ जल्दी से, कहीं पलट कर ना जाए। जाओ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अम्मी अम्मी चलिए पहले फूल तो ले ले। हाँ हाँ बेटे ले लो। भैया आठ आने के फूल दे देना। फकीर का सवाल पूरा हो गया, बाबा तेरा भी सवाल पूरा करेंगे। एक चादर हमारी तरफ दूर, बाबा दूर, हाथ ना बढ़ाइए। बेटे जमीला फूल ले लो बेटे। आजो, आजो। अरे भाभी जान, नसीमा जो हम तुमसे नहीं बोलेंगे, अल्लाह जाने भूली गई जैसे। नहीं नहीं भाभी जान, दो चार रोज में जरूर आऊंगी। दो चार रोज में नहीं, कल या परसों तक नहीं आओगी तो अच्छा ना होगा। हाँ अच्छी बात है, चल चल। करके पुलिस चौकी में ले आओ, कब से ताला खिलो, भागो। पता नहीं कहाँ चले गए भाई लोग, कुछ समझ में नहीं आता क्या। अरे क्या कर रहा, चल जाओ तलाशी होगी। अरे कैसे तलाशी होगी, छोड़ ये क्या। अल्लाह अल्लाह, अरे जो क्या बात है ना, तुम मुझे छोड़ो। वो जो टोली जा रही ना, उसमें जो काला बुरका है वही है, तुम जाओ तुम जाओ। अरे ला के मिला, चौकी में मिलेगा। अरे बात कम आ रहा है, क्या हुआ तुम्हें। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो वो लोग जा रहे हैं नवाब के आगे, जल्दी लपक जाओ, तुम्हें जल्दी जाओ। चलो अच्छा ये बात है, क्या बात है। अरे क्या बात क्या है, कमाल कर, जाओ जल्दी। अरे मजा करे, अरे असलम कहाँ है वो, अभी अंदर गई है सब, यहीं खड़े रहो, यहीं से लौटेंगे। अरे यार उधर भी तो एक दरवाजा है। हाँ उधर से निकल गई तो, जाओ यार तुम उधर चले जाओ। मैं भी पहचानूंगा कैसे। ओ अमा सात औरतें एक साथ है, उसमें जो काला बुरका है ना बस वही है। अमा जाओ ना यार जाओ। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अरे बाबा आप कमबख्तो नालायको, इस अल्लाह वाले फकीर को क्यों पकड़ के लाए हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। बच्चा अगर इन गधों को जरा भी खुदा का खौफ होता तो ये बेहुदा हरकत नहीं करते। कुछ परवाह नहीं, हमने इस गधे को माफ किया। अच्छा बच्चा हम चलता है। अबे जाता कहाँ है,
हुजूर, ये कोई पीर फकीर नहीं, ये तो पक्का 420 बदमाश है। ये देखिए, ये बात है। अरे जी हाँ, खानदानी गिराकट है उल्लू का पट्टा। राम सिंह देखिए ना हुजूर, किसी का कैमरा मार दिया है, खोल कर देखता हूँ इसमें भी कुछ छिपा रखा। अरे अरे लाइट लग जाए, क्या करते हो खमाले? अबे हट, अब्बा जाओ उल्लू का पट्टे। अब्बा इस 8 नंबर, मेरा मतलब है ताजपोशी का मुस्ताक तो मैं हो ही चुका हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम घर पर ही रखा जाए तो ठीक होगा। खामोश, बस रुपये बता, ये भेज क्यों बदल रखा? ये भेज हाँ, वो इसलिए कि बहुत से चोर उचक के पुलिस वालों का भेज बदल कर चोरी करते हैं, उनको पकड़ना चाहता था। तू बकता है? बकता नहीं अब्बा, मैं सच कहता हूँ, मैं तो उस नालायक को पकड़ लेता अगर ये मुझे न पकड़ लेता। आप कहे तो मैं अब भी सबूत पेश करता हूँ, मैं उसको अभी पकड़ कर लेकर आता हूँ। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं, कहीं भाग ले जाए, जाओ इसके पीछे। ये है वो जाते शरीफ, निकालो माल की तरह चोरी का। यही है मेरा दसवंत, यही है देखिए। ये बटुआ मेरा है साहब। क्यों बे? नहीं जी, नहीं साहब। मुंशी जी लाइए कैमरा। मैं तो इसलिए लाया था कि चोरी करते वक्त इन कमबख्तों की फोटो खींच लूं और आपको दिखाऊं, लेकिन इन्होंने सब बना बनाया काम बिगाड़ दिया। इधर आ बेटे, इधर आ। देखा मुंशी जी, क्या कहने हैं? शाबाश। वल्ला शाबाशी की क्या जरूरत है, आप ही का तो बेटा हूँ। अरे मुसर्रत जी, आप कहाँ चले बेटा? यूं ही जरा एक मामला और देखना है, मेरा मतलब है इसी टाइप का। नहीं नहीं, तो बस मेरे पास आइए। देखिए मुंशी जी। हाँ जी। मेरे बेटे के लिए एक ग्लास ठंडा शरबत मंगवाइए। बहुत अच्छा। आए तो क्या गरम मंगवाऊं? न ठंडा न गरम, उधर हो रहा है मामला नरम। ठीक है रख बे। लाहौल वाला खबर खड़े खड़े ये वक्त हो गया, उधर से निकली नहीं, इसी हक्के में है वो काले पंखे वाले। हम इसका पीछा करना चाहिए। अरे बबन मिया, पैसा तो देना। देखो तुम भी जल्दी चले, मगर वो शायदा। अब शायदा को मारो गोली, तुम जल्दी चले। यहाँ क्यों खड़े हो? इसी घर में तो कहीं है वो। इस घर में? वाकई? हाँ, ताज्जुब क्यों है तुम्हें? इसलिए कि मेरे चाचा का मकान है। ठीक कहते हो ना, गलतफहमी तो नहीं हुई? हमारा कमाल करते हो। अरे भाई वही लड़की है काले बक्के वाली, पीछा करता आ रहा हूँ, मैंने ठीक से देखा है, कोई लड़की है तुम्हारे चाचा की? हाँ हाँ, नसीमा। खूबसूरत है ना? हाँ भाई बहुत खूबसूरत। तो फिर वही है, जाओ यार अभी पैगाम दे दो, और अगर बड़ा दिखाने की जरूरत हो तो वहीं से सीटी दे दे। अम्मा जाओ यार, परेशान कर दिया तुमने, लड़की बगल में और ढिंडोरा शहर में। लो साइकिल पकड़ो अब यार। दिल धरने की जगह नहीं थी, उस पर गर्द और धूल की तौबा ही भली। जी मैं आ सकता हूँ? असलमिया जी। भाई जान आओ बेटे, आओ। आदाब है दीदी जान। जीते रहो। आदाब है, आदाब है, आदाब है। बैठो बेटे, बैठो बैठो, बहुत दिनों के बाद आए बेटे, तुम तो जैसे भूल ही गए हम लोगों को। जी नहीं चाची, फुर्सत ही नहीं मिलती दुकान से। कहाँ से आ रही हो नसीमा? आए है, बनते क्यों है, जानते थोड़ी है जैसे आप। अरे भाई बताओगी भी, क्या बात है? चलिए रहने दीजिए, भाभी जान ने मुझे सब बता दिया है। कल आप लोगों में शर्त हुई थी कि आप अपने दोस्तों से भाभी जान का सामना करा देंगे और परेशान करेंगे। पहले तो एक साहब नवाब, ये क्या नाम बताया था उन्होंने, वो पीछा कर रहे थे। फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले, कुछ बातें की और इशारे भी। फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की, वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया। मगर भाईजान ऐसा भी क्या, अपनी बीवी को किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हैं, बड़ी खराब बात है। अरे वो तो यूं ही मजाक हुआ था तुम्हारी भाभी से।
दरअसल हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हें। मुझे? तो क्या मजार पे मेरी भेंट चढ़ानी थी? परसों हमारे यहाँ आ जाना, वहीं बताऊंगा तुम्हारी भाभी के सामने। भाईजान खैर तो है, भाभी जान ने भी परसों ही बुलाया है और आप भी न्योता दे रहे हैं, आखिर बात क्या है बताइए ना। जाओ बुरका रखाओ पहले, फिर बताऊंगा, चलो जल्दी। चची। अरे बेटा तेरे मुंह में घी शक्कर, खुदा की कसम अगर ऐसी बात है तो इसी चाह। तो पक्की कर दूं आपकी तरफ से, कोई गड़बड़ तो ना होगी। अरे बेटा तेरी जबान एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ, मजाले जो फर्क आ जाए। बस तो ठीक है। से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले, बेदर्दी मेरे सैया शबनम है कभी शोले, बेदर्दी मेरे सैया शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। मेरे
बाबा 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 वक्त खत्म हो गया है, तशरीफ ले जाइए। हमारा वक्त तो अब शुरू हो रहा है बच्चा। अम्मा शहदा साहब, काहे को ये ढोंग रचा रखा है? पहचान लिया तुमने? मैंने कहा हुजूर, खैर तो है? खैरियत काहे की, अब्बा हुजूर ने जगह जगह पहरे बिठा रखे हैं, और अगर घर में ठंडी आह भरता हूँ तो गर्दन थाम लेते हैं, पर रुक न सका शौक मेरा रखना घरों से, मैं आ ही गया उड़ के मोहब्बत के परों से। खाला दीदी ने सुन लिया तो ये मोहब्बत की पर काट के रख देंगी। मैं उनकी कैंची गायब कर दूंगा, फिर कैसे काटेंगी? देखता निधन, एक दोस्त की शादी हो चुकी है, दूसरे की होने वाली है, अब बचा मैं, तो फौरन हाँ कर दो, वरना वरना क्या जी? वरना वरना हाँ, यही रंग लेकर जंगल की तरफ निकल जाऊंगा, और मरते दम तक जबान पर एक ही बोल होगा, बेदर्दी मोरे सैया शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। ये देखिए अम्मी, ये सेट। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अजीब बात है अम्मी, असलम की शादी मैंने करवाई और मेरी शादी असलम करवा रहा है, वो भी अपने चचा की लड़की से। हाँ बेटे, ये सब किस्मत का सौदा है, किताबों में भी यही लिखा है कि जोड़ा आसमान पे बनता है। और ये देखिए अम्मी, नवरत्न हार कितना खूबसूरत है, आपको पसंद है ना? मुझे तो सभी जेवर अच्छे मालूम होते हैं बेटे, मगर मेरी राय में तो इन्हें असलम के पास ले जाओ, वो मियाँ बीवी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा, क्योंकि जमाने के मुताबिक उनका मजाक है, और फिर हो सकता है कि वो लोग लड़की से भी पसंद करवा लें, रिश्तेदार है ना आखिर। क्या बात कही अम्मी जान, लाइए। है शुभ्रापन, ठहर जरा निगोड़ी, सर पे बैठे और तू खाक उड़ाई जा रही है। दीदी जरा भर के लिए आप मर्दाने में चली जाइए। तू रुक तो पहले। आए हैं शायद, रेहाना के भाई जी, कह दे वो चले गए, दुकान पर होंगे। अच्छा बीबी, जी ये कहा है कि मियां, यही कि मियां दुकान पर शिफ्ट ले गए। अच्छा मैं जाता हूं, मेरा सलाम कह देना दोनों को। दोनों को अम्मा असलम। क्या है मियाँ? भाई कमाल हो गया, चलो उठो 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 उठो। अम्मा खैरियत तो है, बात क्या है? अरे उठो तो सही, बस चले चलो मेरे साथ फौरन। ओहो बताओगे नहीं? अम्मा यार क्या बताऊं, आज तो फिर मर गया हूँ। पहलियां बुझाओगे? अम्मा वो तुम्हारे यहाँ आई हुई है। वो कौन? ओहो तोबा मेरी भाई, नसीमा और कौन? अम्मा हाँ मैं तो भूल ही गया था, पर तो मैं ही क्या था आज के लिए, ये जेवरात लेकर गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से पसंद करा। बैठक का दरवाजा खोला, किस्मत खुल गई, यक बारगी सामना हो गया। अम्मा यार आंखें चुंदी आ गई, हाय अल्लाह के कर वो उस तरफ भागी, और अगर मैं दिल था मैं तुम्हारे पास आ गया। चलो भाई जल्दी करो, और हाँ कोई चीज पसंद हो या ना हो, ये हार मेरी तरफ से नसीमा के गले में डाल देना, और कहना ये इस अचानक दीदार का नजराना है। चलो ना। अच्छा भाई चलता हूँ, जरा मुनीम जी आ जाए, गद्दी खाली है,
बस आते ही होंगे, यही बैंक तक गए हैं। गलत है, मुनीम को भी बैंक की सूझी तो किसी वक्त। अरे भाई बैठ जाओ ना, जब तक बैठूं क्या? हाँ, यहाँ सब्र के बैंक का दिवाला हुआ जा रहा है। तो यूं करो, मैं हार लेकर चलता हूँ, नसीमा और तुम्हारी भाभी दोनों को राजी करके बिल्कुल सामने बिठाता हूँ, तुम यकबागी दरवाजा खोल देना, आफ्ताब और मेहताब दोनों सामने होंगे। जब दोनों उयला कहकर भाग जाएंगी तो हम ये भी फैसला कर लेंगे कि मुकाबले में किसकी बीवी अच्छी है। जीते रहो मेरे दोस्त, जब तक जीत जाए। लाओ मिलाओ हाथ, क्या बात निकाली। अच्छा तो मैं चलता हूँ, उड़ के पहुँचना उड़ के। हाँ हाँ, मगर बदहवासी में मुनीम जी के आने से पहले ना भागा ये। हाँ जा भी चुको। ओहो जूता तो पहन लो जल्दी। बेगम, बेगम आप, ये क्या है? हाय कितना अच्छा है। मेरे लिए लाए आप? अरे भाई पसंद है तो तुम्हारे लिए भी आ जाएगा, ये तो नवाब साहब ने भेजा है। किसके लिए? नसीमा के लिए। मगर वो है कहाँ, पहले वो तो पसंद कर ले। वो तो अभी नहीं आए, कब से इंतजार कर रहे हैं। क्यों मजाक कर रही हो? नसीमा, ए नसीमा। अल्लाह जानता है झूठ नहीं, वो अभी नहीं आए। हाँ अलबत्ता आपके नवाब साहब आए थे, बेधड़क उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मेरा सामना हो गया। हाय अल्लाह कहकर मैं तो भाग गई, बड़े खराब हो। तुम्हारा सामना हो गया उनसे? हाँ मगर इसमें मेरी क्या खता, कमरे में शुभरातन झाड़ू दे रही थी तो मैं मर्दाने में चली गई। तो नवाब साहब ने नसीमा को नहीं तुमको देखा है, तुम उन्हें पहचानती हो? हाँ इसी तरह एक धोखा हो गया था, उनकी बहन की सालगिरह थी, उस दफा तो मैंने ऐसा कस के बेत उनकी पीठ पे मारा था, ऐसा कस के मारा था कि बस रे बस। हमारा क्या मेहरबान चोट है, तालिब ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल नादान की तरह। मगर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ मुकाबला जरूरत किसी गैर मर्द का नाम या जिक्र मेरे जबान पे आता है क्यों? क्या सोच रहे हैं आप? देख लिया तो क्या हुआ, कोई इतनी बुरी तो नहीं, मैं अंधी हूँ लंगड़ी हूँ कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? ये बात नहीं। तो फिर क्या है बताइए ना। पहले जरा पानी लिया। पहले तो एक साहब नवाब, ये क्या नाम बताया था उन्होंने, वो पीछा कर रहे थे, फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले, कुछ बातें की और इशारे भी, फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की, वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया। पानी। जी क्या उस दिन उसमें तुम और नसीमा दोनों ने काले बुरके पहन रखे थे? नहीं तो, नसीमा तो सफेद बुरके में थी, मैंने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपना काला बुरका उसे दे दिया था। फिर क्यों चुप हो गए? क्या कोई शर्त थी आप लोगों में कि वो मुझे नहीं देख सकते और यूं देख गए? ये बदतमीजी और ओछापन है उनका। बेगम, नवाब के खिलाफ कुछ न कहना, तो मेरा जानी दोस्त है। तो बताइए ना फिर क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही। तुम पानी नहीं लाई? हाय अल्लाह, दिया तो अभी। जैसे तकलीफ है मैं माफी चाहती हूँ, अब कभी मर्दानी कमरे में नहीं जाऊंगी। पगली। अच्छा मैं दुकान जाता हूँ। और ये हार, नसीमा है तो उसको दे दो। अब तो तुम ही रख लो। नसीमा
शेख और मर्दन ही आशिक की जान के लिए क्या कम थे कि तीसरे ये कमबख्त मुनीम भी शुरू हो गए। अमाफा अच्छा फांस के चल दिए, वो मुनीम का बच्चा तो अभी तक आया नहीं और तुम वापस भी आ गए। कहो हार पसंद आया? हाय भाई वाह, खुदा की कसम ये काम किया है तुमने। दोस्त हो ना आखिर, किस दिन काम आओगे? भाई सच पूछो तो तुम्हारे और शहदा के बलबूते पे आशिकी की थी मैंने, वरना मेरे लिए तो मौलवी साहब की सीधी सारी लड़की ही काफी थी। दिल के बहलाने की सूरत हो गई। अब लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। देखो देखो कैसी आंखें, दिलों ईमान छीनने वाली। ये नाक, ये नक्शा, ये तबसुम, ये क्या? एक लड़की ये भी है। अमा हटाओ इसे, तो पाँव भी न दबाओ। ये है ये मेरी जान, मेरा ईमान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। मुझे रात
रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा। मुझे रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा। इधर आ गले लगा लूं तुझे गर्दिशे जमाना। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। मिली खाक में मोहब्बत। तू जलाल तू साहिब कमाल तू वाला उठाल तू जल तू जलाल तू साहिब कमाल। अरे डरने की कोई बात नहीं है, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। नाश्ता जूतों का? आ गए सुबह सुबह मोहल्ले भर के। पागल हुआ है? अंडे पराठे हलवा। ठहरिए ठहरिए, पहले ये बताइए दिन है या रात? अरे गधे दिखाई नहीं देता, सूरज निकला हुआ है। किधर से? पूरब से। झूठ, अव्वल तो ये सूरज नहीं और अगर सूरज है तो पूरब नहीं, वरना वाली साहब और मुझे बुलाए नाश्ते पर और फिर हलवा पराठा अंडे। अरे वो तुझसे बहुत खुश है और अब तो तेरी नौकरी भी ठीक करे। तबीयत तो नहीं ठीक करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छी बात है, आपका जिम्मा, कहीं ऐसा ना हो बिना नोटिस ताजपोशी शुरू हो जाए। चल तो जल तू जलाल तू फायर कबाल तू बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बदतमीज, अम्मी को तो आ जाने दे। जल तू जलाल तू फायर कमाल तू आई बला को डाल तू। जल तू जलाल तू फायर कमाल तू आई बला को डाल तू। जल तू अरे चलना इधर इधर। अरे इधर इधर यहाँ आ जा इधर। अबे ये क्या बदतमीजी थी? अबे मैं पूछता हूँ टोपी कहाँ गई? टोपी सुबह निहार में दूध पी रहा था उसमें शायद गिर गई, बालाई समझकर खा गया। देख ली अपने बेटे की शरारत। अबे मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, बैठ जा बैठ जा मैं कहता हूँ। अम्मी जान आप बीच में आ जाइए, मैं अपने अड्डे पर ठीक हूँ। दे बेटा अब बीच में लाकर। मैंने कहा मुसर्रत मियाँ जी, सुपरिंटेंडेंट साहब तुमसे बहुत खुश हुए जब मैंने तुम्हारी वो सिपाही पकड़ने वाली कारगुजारी उन्हें सुनाई। पूछने लगे कहाँ तक पढ़ा है। मैंने कहा जी बीए पास है, कानून पढ़ रहा है। बड़ी मेहनत कर रहा है बेचारा। अजी जब ही तो सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा कि फौरन ले आओ, मैं उसे दारोगा बना देता हूँ। हाय हाय, मेरा बेटा थानेदार बनेगा? अरे थानेदार का बेटा थानेदार नहीं तो क्या चौकीदार बनेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो ये कि मुझे 10 सिपाही दे दिए जाए ताकि वो कमबख्त बदनसीब जिन्होंने मुकद्दस और मुबारक वलियों की दरगाहों को तमाशागाह और अय्याशी की जगह बना रखा है, पकड़ पकड़ कर इतने दुर्रे लगाऊं कि खाल तक खिंच जाए। अबे नेकी और पूछ पूछ इतना काम करेगा तो मुझसे पहले इंस्पेक्टर बन जाएगा। अजीब बात है, आप कहते हैं दुकान से आ रहा हूँ, मुनीम जी रुपए लेकर आए थे, शाम तक बैठ कर गए हैं। वो कहते थे आप दुकान पर एक हफ्ता से ठीक से बैठते ही नहीं, कभी घड़ी भर के लिए चले कभी दो घड़ी। बेगम दरअसल परेशानी में कुछ का कुछ कह जाता हूँ। मगर परेशानी क्या है आपको? परेशानी बात यह है कि एक अनमोल हीरे के सौदे में धोखा या नातजुर्बेकारी से कुछ ऐसी गलती हो गई है कि इस मामले को अभी न सुलझाया गया तो एक न एक की तबाही लाजमी और यकीनी है। आपका क्या ताल्लुक है इससे? यूं समझ लो
बैठ जा पहले। आज तुम्हारे मुंह से फाल खोलता हूं, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। देखो दो दोस्त हैं बड़े गहरे, जैसे हम प्यारे मियां या शायदा। उनमें से एक दोस्त को एक हीरे की तलाश थी और वो हीरा अनजाने में उसे मिल भी रहा था, मगर वो हजरत ये न समझे कि ये वही हीरा है और पत्थर समझकर दूसरे दोस्त के हवाले कर दिया। उस दोस्त को जब पता चला कि ये तो वही हीरा है जिसके लिए मेरा दोस्त जान देता है और उसकी तलाश में अब भी सर करता है, तो बताओ उस दोस्त का क्या फर्ज है जिसके पास हीरा है। बस यही फैसला मुझे करना है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भी तो हक है, तुम ही फैसला कर दो। मेरी राय में तो दूसरे दोस्त को वो हीरा पहले दोस्त को वापस कर देना चाहिए। यही मैं भी चाहता था, मगर ये देखकर कि दूसरे दोस्त ने उसकी शक्ल बदल दी है, अंगूठी में चढ़वा लिया है, अपने जिस्मो जान की जीनत बना रखा है, ये फैसला करते हुए जरा झिझकता हूं। दोस्ती के मानी है कुर्बानी, और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर्फ आएगा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आदावर है हुजूर। मुनीम जी आप गधे हैं। हाँ हुजूर, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। आपने बेगम से ये क्यों कह दिया कि मैं दुकान से गायब रहता हूँ? इसलिए कि यहाँ नुकसान होता है। सिर्फ इतना कहा था कि काम के वक्त न रोका करें घर पर आपको। ओ, मगर ये आपको कैसे मालूम हुआ कि हर वक्त मैं बेगम साहिबा के पास बैठा रहता हूँ? जी तब तो मैं वाकई गधा हूँ। आइंदा एहतियात रहे। बहुत खूब। और ये सैंपल रख तो फिर बहुत बेहतर। मुनीम जी। हुजूर। मुनीम जी आप कोई तरकीब जानते हैं? काहे की सरकार बीवी से अलहदगी की? यूं कहिए कि छुटकारा पाने की। अजी हुजूर एक छोड़ हजारों। मसलन शराबखोरी, अय्याशी, नाच रंग, लड़ाई झगड़ा, आधी रात के बाद घर पहुंचना, कभी कभी पहुंचना ही नहीं, कहीं सो रहना वगैरह वगैरह। बदनामी लाजमी होगी। बस दो ही दिन में तंग आकर बीवी खुद ही मैके चली जाएगी। उसके माँ बाप तलाक के लिए जोर देंगे, और आपके यहाँ तो ये भी चलता है। मगर ये सब आप किसके लिए पूछ रहे हैं सरकार? अच्छा मुनीम जी, ये सब अगर सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए, मेरा मतलब है दुनिया समझे वो ऐसा करता है और दरअसल वो कुछ भी ना करे, तो इसमें पूछने की क्या बात है सरकार? आपने ये मसला नहीं सुनी? बद अच्छा बदनाम बुरा। तो यूं कीजिए, आज शाम को आप मेरे घर चले जाइए और बेगम से कह दीजिए कि मैं जरा देर से घर आऊंगा। राम 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 सरकार, अभी से। जाने असलम मियां कहां रह गए? 10 बज गए। क्या हमेशा रात को इतनी देर से आते हैं? नहीं तो अम्मी, आज ही कोई खास बात हो गई है, कारोबार के सिलसिले में बैठ गए होंगे कहीं। फिर भी तुम्हारा क्या ख्याल है, कहां होंगे वो? मुन्ने भाई खुदा की कसम तुम्हारे लिए घर भेज दूंगा।
आदा बरदे हुजूर। क्या सोच रहे हैं बंदा परवर? अजमल मियां, ए अजमल मियां। क्या है? देखो ना, तुम्हारे बनोई कोठे झांकते फिर रहे हैं। हैं? इस वक्त ये हजरत यहाँ कैसे? और देखो दलाल भी साथ में चिपका हुआ है। देख रहा हूँ। अजमल, अजमल आइए ना। अरे आइए हुजूर। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले। चलन छोड़ दिया
बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं बदले बदले। वापस कर देना चाहिए। दोस्ती के मानी है कुर्बानी, और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर्फ आएगा। बख्त मुलादा फरमाइए, ये अतलस और ये कम खाब तो हमारी दुकान की खास चीज है। आदाब अर्ज है। अरे आदाब अर्ज है। आओ भाई आओ। आप लोग इस वक्त जाइए, कपड़े यहीं रहने दीजिए, जो पसंद आएंगे उनके दाम मिल जाएंगे। बहुत अच्छा हुजूर। आदाब। आदाब अर्ज। वाह 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 भाई, शादी की तैयारियां हो तो यूं निगाहें रोशन अली हो गई। मगर तुम क्या हो गए हो, फौज में भर्ती हो गए हो, थानेदार बन गए हो। अमा ये सब तुम्हारी आशिकी का तुफैल है, क्या क्या गुल खिलाए। सीधी नाक तो तुम पकड़ोगे नहीं, जब पकड़ोगे घुमाकर। मेरी आशिकी से क्या मतलब। अमा नसीमा की तलाश में जो नकली सिपाही गिरफ्तार करवाया था ना, वाली साहब ने कहीं जोश में आकर सुपरिंटेंडेंट साहब से कह दिया, बहुत खुश हुए, इंटरव्यू के लिए बुलाया और थानेदार बना देने का वादा फरमाया। अब बोलो है कि नहीं तुम्हारी आशिकी का तुफैल। बस खाकी लिबास पहनकर अभी से थानेदारी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वाकई यार ये तो बड़ी बात हुई। असलम को मालूम है? अमा वो मिलता ही नहीं, उसे ही देखने के लिए तो मैं यहाँ आया था। मेरा ख्याल था तुम दोनों इकट्ठे मिलोगे। अमा यार नहीं, मैंने तो हफ्तों से शक्ल नहीं देखी उसका। देखी जाने कहाँ रहता है कमबख्त। अरे हाँ शायद वहां होगा। कहाँ? अमा यार वही मेरी ससुराल में शादी ब्याह के फेर में होगा। ना वो वहां भी नहीं जाता। मैं उसकी दुकान पर गया तो मुनीम जी ने कहा वो यहाँ भी कई दिन से नहीं आए, कुछ गड़बड़ है सरकार। मैंने पूछा क्या, तो गोलो क्या कमबख्त बहुत कुरेदा मगर टालता ही रहा। मेरे ख्याल में असलम और बेगम की बनी नहीं, इसलिए हजरत कहीं और उलझ रहे हैं। क्या बात, क्या बात करते हो यार, याद नहीं बीवी की कितनी तारीफ किया करता था। वो शुरू शुरू की बात थी मियां, अनबन होते कुछ देर नहीं लगती। चलो कोई बात नहीं, पता लगा लेते हैं। ये भी लाइए। हमारा लाओ ना यार। कसम खुदा की किस नालायक ने उपका भर दिया। वो माफ करना आपने भरा था। जरा सूरत तो देख अपनी, इतना सा मुंह निकल आया है मगर तू छुपा ही जाती है। अरे तेरे भाइयों ने उसे कोठे पे चढ़ते देखा है, क्या झूठ कहेंगे वो। अम्मी अगर ये सच भी है तो उसी वक्त तक
जब तक वो आकर इसे इनकार न कर दे। तू तो शोहर परस्ती में अंधी हो गई है अंधी, तुझे उसका कोई ऐब नजर ही नहीं आता। मगर याद रख, इस बात की रोकथाम न की गई तो एक दिन हम सबको सर पर हाथ रख के रोना पड़ेगा। आप लोगों को गलतफहमी हुई है अम्मी, वो हरगिज़ ऐसे नहीं है।
तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? यह देखिए, जो मुनासिब समझिए ले लीजिए। मेरे लिए यहाँ के तौर तरीके कुछ नए नए से हैं भी। कोई बात नहीं, सीख जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई आ गया? आने दीजिए, मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि यहाँ आने वालों से मेलजोल बढ़े, शोहरत हो। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? क्या आप और यहां? तब काहे को मिलते भला तुम? क्या मुझे ढूंढ रहे थे? अमा हद भी हो कुछ ढूंढने की, कई दिन से दीवाना कर रखा तुमने। तो ठीक ही निकला अपना ख्याल कि तुम कहीं उलझ रहे हो। खैर कुछ परवाह नहीं, तमीजन कान खोलकर सुन लो जिसके लिए मैं खास तौर से यहाँ आया हूँ। हाय अल्लाह, सुन तो रही हूँ, कोई बैरी थोड़ी हो गई हूँ। आज के चौथे रोज नवाब साहब की बारात में तुम्हें तख्त रवा पर नाचते हुए चलना होगा। बारात बड़ी धूमधाम से जाएगी। क्या चार ही दिन रह गए बारात को? और क्या। मगर तुम्हें अब किसी चीज का पता क्यों होने लगा? आप इनको जानते हैं? लीजिए और सुनिए, वो मसल सुनी है ना, एक जान और दो कालिब। गलत, बिल्कुल गलत, एक जान और तीन कालिब, ये हम और नवाब साहब। अरे वही जिनकी बारात में तुम्हें चलना होगा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है तो मैं चलता हूँ, लिहाज रहे, मेरे दोस्त हैं। और तुम तो अभी बैठोगे शायद? बैठो बैठो, मेरे ख्याल में सिर्फ पीना बाकी रह गया है, वो कसर भी पूरी कर ही डालो। भेज दूं दो चार बोतलें। न छेड़े न कहते बादे बहारी राह लगा, तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। और आप भी? खैरियत तो है? अब तक तो थी मगर अब नहीं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है और सिर्फ दो लफ्जों में, या तो अपना चाल चलन संभालो या मेरी बहन को तलाक दे दो। ये बात है तो सुनिए कान खोलकर, चाल चलन मैं संभालूं या ना संभालूं ये मेरी जाती चीज है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं। अब रही दूसरी चीज, वो आपकी बहन का मामला है, उसमें आपको हक जरूर पहुंचता है, मगर पहले मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। अगर मैं तलाक दे भी दूं तो क्या होगा उसके बाद? नवाब का सरमंड है कि हम उसको, जिसने हमारे बाप को धोखा देकर हज के लिए भेज दिया और शादी अपने बजाय तुम जैसे नामाकूल से कर दी। यही तो जुल्म हुआ, यकीनन जुल्म हुआ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्या नवाब साहब तैयार है इसके लिए? तैयार होना पड़ेगा, कोई मजाक है? तो ठीक है, मैं अभी तलाक देने को तैयार हूँ, इसी वक्त, खुदा की कसम बड़ी खुशी से, मगर इसी शर्त पर कि निकाह हो बाद में तो सिर्फ नवाब के साथ, और अगर नवाब साहब न माने तो कभी नहीं दूंगा, क़यामत तक नहीं, सीधे के टेढ़े। अच्छा तुम मारने आए हो मुझे? बेशक। ठहरो, डरो नहीं, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मेरे अजीज हो। ये लो, चाकू से मारोगे तो ठीक से न मार सकोगे, मैं कातिल हूं, बार उछा लेगा, इससे कोई गड़बड़ ना होगी। बस दबाते चले जाओ, मैं तुम्हारे एहसानों से दब जाऊं। मारो मारो, मैं कहता हूं। मेरे सरताज, मेरे मालिक, आप मारो। क्या एक को शहीद करके जन्नत में और दूसरी को बेवा करके जीते जी जहन्नम में झोंक दोगे? तुमको खुदा की कसम मारो। बस फिर गया हूं, बहन अपना खून है इसलिए। जमीला, अम्मी आपने मुझे लड़कपन से सिखाया है कि शौहर के पांव के नीचे जन्नत होती है, आज मैं वही जन्नत लेना चाहती हूँ तो तुम्हारे आती हो? क्या दुख है मुझे, दौलत चलो मैं दिखाती हूँ, तिजोरी भरी पड़ी है इतनी कि हमारे सात पुश्तों ने ना देखी होगी।
आठ ही बजे ये घर आ जाए, पाँव फैला कर सो रहूं, क्या मिला खिदमत का मौका मुझे? नहीं, जितनी देर ना है रात भर ना है इंतजार करूंगी। जिस वक्त आए खादिमा की तरह खाना खिलाऊंगी, पाँव दबा कर सुलाऊंगी। जन्नत बीवी को पाँव दबा कर ही मिलती है। बेटा सुनो तुम। नहीं, तुम सुनती जाओ। और तुम भी, मैं इनकी बीवी नहीं, कनीज हूँ, लौंडी हूँ। इनकी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। चलाओ बोली, और दोनों के एक साथ शहीद कर दो। अब कहाँ जाते हो? जाते हो तो सुनते जाओ। तुमने जो कुछ चाहा बहुत बुरा चाहा, फिर कभी मुंह ना दिखाना मुझे। समझना जमीला तुम्हारे लिए मर गई, और तुम जमीला के लिए। आपसे शिकायत की जरूरत इसलिए हुई कि ये शादी आपने कराई थी, और यकीन कीजिए नवाब साहब, जो कुछ भी आपसे कहा है एक एक लफ्ज सच है। शहरा से मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब आप घर जाइए और अपनी वालिदा साहिबा को मेरा सलाम कहिए, और ये कहिए कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। अभी उनकी बेटी फूलों की सेज भी झूला झूलेगी, इत्मीनान रखें। खुदा आपकी जबान मुबारक करे। आला बरसा। आला। शहदा, अब बताओ किसकी रोकथाम कैसे की जाए? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तमीजन ने कई बार कहा है कि वो जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि बीवी को भूला रहो। ओ, ओ, अहमा हो यार। अम्मा, इसमें सोचने की क्या बात है? साफ जाहिर है कि वो तमीजन को अपनी बनाना चाहता है, वरना तमीजन के पास बीवी को बुलाने की और तरकीब क्या है? लेडी डॉक्टर है ये, वो मेस्मरिज्म जानती है। अम्मा, अम्मा क्यों शक में डालते हो? देखो पतलून ढीली हो गई। यही तो कहता हूँ कि कोई तरकीब कर लो, वरना दिमाग भी ढीला हो जाएगा। दिमाग भी ढीला हो जाएगा? किसका? मेरा क्या, असलम का? उसका तो हो चुका, अब अगर तमीजन चली गई तो तुम्हारा भी हो जाएगा। अम्मा क्या कह रहा हो, उसको तो मालूम है कि तमीजन मेरी है। आखिर होना अहमकुल्ला जी। वो कैसे भाई? बताता हूँ, आओ बैठो। कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि औरतों के मामले बहुत टेढ़े होते हैं, कोई जान के उन पे कब्जा करना चाहता है और कोई अनजाने में। चलो हो गई छुट्टी। अम्मा वो कहती भी थी कि तुम हमेशा दरोगा होने की धमकी दिया करते हो, किसी दिन ऐसी जगह चल दूंगी कि रजा को ढूंढते। बिल्कुल, अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? यही कि तमीजन अगर उसको पसंद है तो उसकी। भाई मेरी राय में दोस्त अगर दोस्त के लिए इतनी भी कुर्बानी ना कर सके तो वो दोस्त कहलाने का मुस्ताक ही नहीं। बहुत हो, वाह वाह, आप इसे कुर्बानी कहते हैं? अमा ये कुर्बानी नहीं, कत्ल है दोस्त का जो आप कर रहे हैं, बल्कि कत्लेआम कहिए। अम्मा असलम और तमीजन जब दोनों ही राजी तो फिर कत्ल किसका हुआ? मेरा, असलम का, और शायद तुम्हारा भी। अम्मा मेरे कैसे? सुनो, तमीजन असलम के घर गई नहीं कि ये साले साहब जो अभी गए हैं दोनों को जान से मार देंगे। इस दीवानगी में कि अपनी बहन यानी असलम की बीवी को मेरे सर पटक दे, जो इनकी मुद्दत से ख्वाहिश है, और मैं अपने मरे हुए दोस्त की बीवी से शादी तो ना करूंगा, अलबत्ता इन दोनों भाइयों के सीने से मेरी गोली पार हो जाएगी। फिर क्या, मुझको फांसी हो जाएगी? इस तरह से मैं जाऊंगा, असलम जाएगा, वो दोनों साले जाएंगे, तमीजन जाएगी तुम्हारी, और तुम भी खैर मरोगे तो नहीं, बहुत बेहया हो, मगर कुछ दिन दिमाग जरूर खराब रहेगा तुम्हारा। अब बोलो, है कत्लेआम के नहीं? पतलून गिर ही जाएगी शायद, तुमने तो मेरा जितनी सुखा दिया। असलम मियाँ, मेरा मतलब है प्यारे मियाँ, बताओ ना करना क्या होगा? करना क्या होगा? हिम्मत, जाओ और तमीजन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। अम्मा क्या बात करते हो, दरवाजा बंद कर दूंगा तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा, वो बाहर कैसे तशरीफ लाएंगी? नहीं नहीं, एक बात हो, फिर नहीं समझे? अम्मा असलम के लिए कह रहा हूँ, इधर मैं जाता हूँ उसके दिमाग का दरवाजा खोलने। बोलो तैयार हो? अम्मा ऐसी जगह तैयार हो पूछते हो जहाँ शायदा एंड को का फायदा हो। मैं पहले अपना हुलिया बदलता हूँ, उसके बाद थाने से कुछ कागजात लेता हूँ, सीधा वहीं पहुँचता हूँ। अभी तीन पार्ट किए देता हूँ तमीजन का। खुदा हाफिज। बेगम, मैं बड़ा नाज़ी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, ये दोस्तों के मामले ने मुझे उलझावे में डाल दिया। इतना परेशान हुआ कि कहीं से कहीं पहुंच गया।
फिर भी मंजिल नहीं दिखाई देती। ये आपकी नहीं मेरी गलती है। क्या कहती हो बेगम? ठीक ही कहती हूँ, मुझे उस रोज मर्दाने में नहीं जाना चाहिए था। फिर अगर नवाब साहब का सामना हो भी गया था तो ये ने बताना चाहिए था कि इससे पहले भी मैंने उनको देखा था और एक दिन भूल में मैंने उनके पीठ पे बेत भी मारे थे। इसी चीज ने आपको शक में डाल दिया। आप समझे मुझे कसम देखने आए थे और मेरा रुझान भी नवाब साहब के। बेगम, तौबा करो, तौबा। मैं गले में गिरा तो तुमने भी मुझे नजरों से गिरा दिया। तोहिन की है तुमने मेरी और मुझसे ज्यादा मेरे दोस्त की। मैं सच कहती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है अगर ये परेशानी किसी और वजह से है, आपकी तबीयत कहीं और लग गई है तो उन्हें भी ले आइए। मैं उनकी बहन बनकर रहूंगी और दोनों दिलो जान से आपकी खिदमत करेंगे। बेगम, बेगम ये बदगुमानी भी दिल से दूर कर दो। हुजूर नवाब साहब तशरीफ लाए। क्या रे मियां, बुला लो। हाँ अल्लाह। बैठो तुम भी, आज मैं सामना करवाना चाहता हूँ। फिर वही, छोड़िए मेरा हाथ। मैं कहता हूँ सुनो तो। नहीं छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं होगा, खुदा की कसम कयामत तक नहीं। आ जाओ प्यारे मियाँ। छोड़ दीजिए, आपको हमारी जान की कसम। ओहो, आज तो बड़े तेरे तेवर हैं। हाँ, तुमसे काम करवाना है। बोलो टेढ़े हो गए या सीधे? अच्छा, ये रो? बोलो, देर नहीं। पहले काम तो बताइए मेरे सरकार, कौन सी कयामत आ गई है? असलम मियां ने आज तक तुम्हारे यहाँ जो भी लुटाया है, मेरा मतलब है रुपया पैसा वगैरह वगैरह, अभी हाजिर करो। बस इतनी सी बात, काहे को तकलीफ की? किसी से कहलवा भेजा होता फिर देती। पेश करो फौरन। अभी लाई सरकार। ठीक है ठीक है। लीजिए। बस तीस तीस बस यही है जो पहली बार दे गए थे। उसके बाद? उसके बाद आप आ गए। आपने कहा था लिहाज रहे मेरे दोस्त हैं, मेरी जगह समझना, याद है? याद है। काफी था इतना कहना। कई बार फिर आए, रुपया पैसा देना चाहा, मैंने नजर नहीं उठाई। शराफत ये कि मेरी उंगली तक नहीं छुई। अगर कुछ कहा भी तो ठंडी सांस भरकर सिर्फ इतना, किसी तरह मेरी बीवी को भुलाने में मदद कर सकती हो? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई और ना वो कुछ समझा सके। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। आज से इस घर का दरवाजा असलम मियां के लिए नहीं खुलेगा, समझे? बुलाओ अपनी खाला को। मैं कहती हूँ नहीं खुलेगा, फिर किसी को बुलाने की क्या जरूरत? शैदा जैसे दोस्त की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो? तुम किसी के लिए इतने अंधे हो गए हो असलम कि तुम्हें खुद अपना रास्ता सुझाई नहीं देता। मुझे रास्ते का रोड़ा समझ कर कतराते हो, मुझसे दूर भागना चाहते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे जीते जी मैं यूं ही तुम्हारी जिंदगी में हायल रहूंगा। चाहते क्या हो बोलो, मेरा मुंह काला करना चाहते हो? आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? वादा भूल गए, मुझे भूल गए, दोस्त और दोस्ती का फर्ज भूल गए। दोस्ती का फर्ज ही अदा करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कैसे समझाऊं? तुम समझाओगे भी क्या? ये तरीका ही नहीं दोस्ती निभाने का जिस तरह से तुम निभाने की कोशिश कर रहे हो। असलम, क्यों तबाही चाहते हो अपनी और मेरी? क्या मर्जी है तुम्हारी? शहर छोड़ के चला जाऊं? नहीं प्यारे मियां, नहीं। नहीं तो बैठो इधर और मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया? ये दीवानों किसी हालत क्यों बना रखी है? ये सब किस्मत का खेल है,
मुझे माफ कर दो प्यारे मियां, जो तुम चाहोगे वही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। जीते रहो, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम फौरन तैयार होके आ जाओ, बहुत से काम रुके हुए हैं, मैं अकेला क्या क्या संभालूंगा। और देखो भाभी जान से कह देना कि उनकी शादी हमने अपने हाथों नेहा छान शौकत से की थी, अब हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई कसर बाकी ना रह जाए, समझे? कसर तो बहुत बड़ी बाकी रह जाएगी मेरे दोस्त। आए है, ये अपनी आंख से क्या बातें कर रहे हैं? ओह, तुम? सोच रहा था कल नसीमा की बारात है। और आपके नवाब साहब की थोड़ी है जैसे? नवाब की? उसकी तो आफत आ गई है। जी हाँ, औरतें मर्दों की आफत ही तो होती है, जैसे मैं आपके लिए। नवाब साहब बहुत खफा हो रहे थे आप पे। देखो किसी तरह ये शादी रुक सकती है। बस हो गई दोस्ती खत्म। जरा सख्त सुस्त कहा, वो भी आपके भले के लिए, तो दोस्ती छोड़ दुश्मनी पे उतरा, और यहाँ तक कि बहन की शादी जिसे खुद आपने तय किया है रोकने पे तुल गए। ये शादी रुकनी ही चाहिए बेगम, वरना दोस्ती के दामन पे धब्बा लग जाएगा। हाय अल्लाह, पागल हुए हैं आप? दोनों तरफ मेहमानों की कितनी भीड़ है, शहर भर में धूम मची है, बड़े बड़े हुक्काम, कलेक्टर, जज वगैरह आए हुए हैं। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। सलमा, निसरीन सभी आ चुकी हैं। जमीला भाभी नहीं आई और ना असलम भाई ही आए। आते होंगे बेटी, शायद तेरे नवाब साहब के यहाँ चले गए। जमीला कहती है शादी नहीं रुक सकती, किसी तरह नहीं रुक सकती। रुक सकती है और तुम्हें रोकना होगा, वरना ये दूसरा फरेब होगा उस दोस्त के साथ जिसने तुम्हें दोबारा इज्जत बख्शी, तुम्हारी जान बचाई। आज खुद उसकी जान खतरे में है, माना कि उसने कुल्हाड़ी अपने हाथ से अपने पांव पे मारी है, मगर अनजाने में, ये तुम जानते हो, और ये भी जानते हो कि उसके जख्म का मरहम, उसका अनमोल हीरा तुम्हारे पास है। मेरे ही पास है, तो अब जानबूझकर अपनी बहन नसीमा को उसके गले में क्यों डाल रहे हो? हो सकता है वो जमीला के बगैर अपनी जिंदगी किसी तरह सीने पे पत्थर रखकर काट ले, मगर ये शादी, ये जानते हुए कि वो नसीमा से पांव भी दबाने को तैयार नहीं, जिंदगी भर का रोग बन जाएगी उसके लिए। ये शादी नहीं, नवाब की फांसी। रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। कैसे रोकूं, कैसे रोकूं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत। तुम्हारे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से ये शादी भी टल जाएगी, और तुम्हारे ना होने के बाद जमीला का दूसरा निकाह भी नवाब से तुम्हारी वसीयत के मुताबिक हो सकता है। क्या इतने बड़े दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे सकते हो? बेशक। मैंने कहा जी, आज आपके नवाब साहब और नसीमा बहन की शादी है, चलेगा नहीं? चलने ही की तैयारी कर रहा था जी। अरे तुम भी तो तैयार नहीं हुई बेगम। मैं? लीजिए अभी हुई जाती हूँ। बेगम जी, वही शादी वाला जोड़ा पहनना, मैं तुम्हें एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। हाय अल्लाह, शादी नसीमा की हो रही है और दुल्हन आप मुझे बना रहे हैं? बहस न करो बेगम, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है,
से पहले तुम्हें जी भर के देख लो, सफर आसानी से कट जाएगा। प्यारे मियां। जी अम्मी। अरे बेटे, पसीने पसीने हो रहे हो, जरा दम तो ले लो। क्या करूं अम्मी जान, काम इतना ज्यादा है और मैं अकेला। अरे तो वो तेरे दोस्तों को क्या हुआ? शायदा तो खैर शायदा है ही, मगर असलम को तो आ जाना चाहिए था, उसका भी पता नहीं। बस आता ही होगा अम्मी जान। हाँ आएगा, आना होता तो दो दिन पहले आ जाता वो। तूने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, मगर वो इस मौके पर भी तेरा हाथ बटाने को तैयार नहीं। नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं, जरूर कोई खास बात हो गई होगी। मैं अभी जाता हूँ और असलम को पकड़ के लाता हूँ। तू कहाँ जाएगा? किसी नौकर चाकर को भेज, आज घर से बाहर जाना तेरे लिए अच्छा नहीं। नहीं अभी अभी आता हूँ, बस अभी आए। मैं कहती हूँ तेरा जाना ठीक नहीं। लौट आओ बेटे, बस शुगुनी होगी। अम्मी। हाँ बेटे। जाने क्यों मेरा दिल हॉल खा रहा है, जमीला भाभी और असलम भाई जान अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर करे बेटे, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। क्या लेना है, क्या देना है, अभी किए देते हैं। नवाब साहब कहाँ है? कुछ नहीं। प्यारे मियां, अरे नवाब साहब, ये तो शायदा की आवाज मालूम होती है। तो वही। हाँ। अरे गफूरन, ये बेगम साहब, जाके कन्नू से कह दो शायदा साहब को अंदर भेज दे, आज मैं इसकी ताजपोशी करूंगी। भैया की ताजपोशी? अरे वाह वाह वाह। शरीफ कमाल है, मेहमान यहाँ मौजूद है और दूल्हे मियाँ का पता नहीं है। अमान नवाब साहब किधर हो भाई? बेगम साहब आपको याद फरमा रही है। मुझे? जी अल्लाह खैर। चलो आदावर से चची जान। क्यों रे नाला, तू अब आ रहा है? नहीं तो मैं तो सुबह से काम में मसरूफ हूँ। अरे क्यों झूठ बोलता है, कल से ना तेरा पता है ना असलम का, प्यारे मियाँ उसी को लेने गए। अच्छा? हाँ बेटा, मैंने लाख रोका मगर उसने एक न सुना। जा उसे जल्दी से पकड़ ला। इतनी सी बात आ गया समझिए। ए, 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 गया। बेगम सेट है, ये टीका उस दिन जरा नीचे था यहाँ। हाँ अल्लाह क्या हो गया है आपको, अब हटाइए भी, वहाँ लोग इंतजार कर रहे होंगे, शाम होने को आ गई। शाम तो रोज ही आती है मगर आज की शाम लखनऊ की सबसे हसीन शाम होगी तुम्हारे लिए। और आपके लिए? मेरे लिए तो ये शाम शाम गरीबा होगी। अरे नौज, ऐसा क्यों कहते हैं आप? बस एक शाम तुम्हारी, एक शाम हमारी। क्यों रे, असलम साहब कहाँ? मियाँ ना जाने उनको आज क्या सूझी है, अपने हाथ से बीवी को दुल्हन बना रहे हैं। है? अब बनी हो दुल्हन। आज बहुत जब से काम ले रही, क्या बात है, खुद ही संवारा खुद ही सजाया, फिर भी पहले की तरह ये न कहा, हाय मार डाला, लूट लिया, कयामत आ गई। हाँ हाँ बेगम, कयामत भी आएगी, मैं लूट जाऊंगा, मिट जाऊंगा तुम्हारे लिए, और दुनिया देखेगी। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आज? बेगम बस जरा चेहरे पे घूंघट डाल के एक बार फिर उठा दो उसी अंदाज से। सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चाल, प्यारे मियाँ ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है मुझे। अरे ये तो असलम की बीवी, ये तो असलम की बीवी है, तो असलम की बीवी है। मियाँ, वो नवाब साहब
नवाब साहब खड़े थे, कुछ देखा कुछ सुना, घबरा के मुझ पे गिरे और बेतहाशा भाग निकले। नवाब साहब यहाँ खड़े थे? जी हाँ, बहुत देर से। तो राज खुल ही गया। राज? कैसा राज? अरे सुनिए तो, रोक दीजिए ये शादी, ये शादी नहीं बर्बादी है। अरे किसकी बर्बादी, कैसी बर्बादी, ये क्या कह रहे हो प्यारे मियाँ? कुछ सुना तुम लोगों ने, कहता है ये शादी रोक दो। अरे पगले कैसे रोक दो, ये शादी नहीं बर्बादी है, बर्बादी है अम्मी। पागल हो गए, गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से पसंद करा। बैठक का दरवाजा खोला, किस्मत खुल गई, यक बारगी सामना हो गया। हमें यार आंखें चुंदिया आ गई, हाय अल्लाह के कर वो उस तरफ भागी और इधर में दिल थामे तुम्हारे पास आ गया। तमीजन ने कई बार कहा है कि वो जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि बीवी को भूला रहो। तुम वादा भूल गए, मुझे भूल गए, दोस्त और दोस्ती का फर्ज भूल गए। दोस्ती का फर्ज ही अदा करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कैसे समझाऊं? दिल के बहलाने की सूरत हो गई है, अब वो लाखों में क्या करोड़ों में एक है। देखो देखो कैसी आंखें, दिलों ईमान छीनने वाली, ये नाक, ये नक्शा। मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया है? असलम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है अल्लाह, मैंने क्या किया, क्या किया? बेगम साहबा तो बेहोश पड़ी है बेचारी, प्यारे मियाँ अपने कमरे में ऊपर गए हैं, कहते हैं शादी रोक दो, शादी नहीं बर्बादी है। बर्बादी? Come on!
बोलो प्यारे मियाँ, बोलो प्यारे मियाँ। ये तुमने क्या किया प्यारे मियाँ? अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, नवाब साहब ने हीरा काट लिया। नवाब साहब ने हीरा काट लिया। ये क्या किया, ये क्या किया प्यारे मियाँ? ये क्या कह रहे हो प्यारे मियाँ? मेरे दोस्त, मेरे खताओं की दास्तान दुनिया तक न पहुंची। कसम खुदा की इस राज को राजी रखना, असलम 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 पापी क्या चूल्हा बेटा, बारह दरवाजे पर खड़ी है और तुम कहाँ चल दिए? ये कैसे मेहंदी रचाई मेरे राम? क्या हुआ मेरे सरदार, क्या हुआ? यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।